हेलो व्यूअर्स, आपका पुनः मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन एकेडमी में ललन सर आपका स्वागत करता है। और आज हम पुनः एक नए सवाल पर विचार करेंगे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। सवाल कुछ इस तरीके का है, S1, S2, S3 जो लिखा हुआ है, सम ऑफ एन टर्म, 2n टर्म और 3n टर्म है, यानी कि S1 जो है एन टर्म तक का सम है, S2 जो है 2n टर्म तक का सम है और S3 जो है 3n टर्म तक का सम है, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हमको क्या दिखाना है, LHS इजकल टू RHS। यहाँ पे दिया हुआ है LHS इजकल टू RHS। LHS में क्या दिया हुआ सो देख ही रहे हैं आप, S1 इंटू अंडर ब्रैकेट S3 माइनस S2 इक्वल टू S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, यह क्वेश्चन है। तो चूँकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो है रेशियो जो है कहीं से भी अगर लेंगे तो इक्वल होगा, वह इक्वल को हम आर मानते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को मान लेते हैं, फिर विचार करते हैं। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ गिवन GP। मान लिया जो दिया गया GP क्या है, उसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ अब वो लिखते हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं गिवन, हम अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, गिव है जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म, तो A इंटू यानी कि फर्स्ट टर्म A इंटू 1 माइनस R पे पावर N अपॉन, यहाँ N है, अपॉन 1 माइनस R। S2 क्या दिया हुआ है, यही लिख लेते हैं ताकि आ जाए बोर्ड में, S2 क्या दिया हुआ है सम ऑफ 2n, तो 1 माइनस R पे पावर 2n दे देंगे, माइनस 1 माइनस R, यहाँ पे 2n है, 2n इसलिए कि सम ऑफ 2n टर्म्स तक का अगर हम जोड़ते हैं तो यह हो जाता है। एंड S3 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3n टर्म, तो 1 माइनस R पे पावर 3n अपॉन 1 माइनस R, यह दिया हुआ है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। अगर A और R फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मानेंगे तो उसका रिजल्टेंट ये होगा। तो अब हमको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, S3 माइनस, अब इससे हम S3 माइनस S2 निकाल सकते हैं। S3 का वैल्यू क्या है, यहाँ दिया हुआ है, S2 का यहाँ दिया हुआ, A1 माइनस R पे पावर 3n अपॉन 1 माइनस R, माइनस A1 माइनस R पे पावर 2n अपॉन 1 माइनस R, और A आउटसाइड कर लेते हैं हम, और दोनों का एलसीएम जो है 1 माइनस R होगा, हम आउटसाइड कर लेते हैं A और A1 माइनस R हम आउटसाइड कर लेते हैं इस ब्रैकेट का, और अंदर में क्या रह जाएगा, 1 माइनस R पे पावर 3n माइनस 1 और प्लस R पे पावर 2n, यह रह जाएगा, तो 1 गया, और A अपॉन 1 माइनस R, और यहाँ पे हम R पे पावर 2n हम अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस R पे पावर n। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, A 1 माइनस R पे पावर n अपॉन 1 माइनस R इंटू R पे पावर 2n। अब इसमें जो है हम S1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
जो कि एल एस एस हो जाएगा। इस प्रकार एस वन का वैल्यू हम यहाँ से बैठा देते हैं, तो एस एस वन का वैल्यू बैठाते हैं तो ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन अपॉन वन माइनस आर इंटू दिस ए वन माइनस आर पे पावर एन अपॉन वन माइनस आर इंटू आर पे पावर टू एन। अब हम इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ भी देख के, और एस वन स्क्वायर आर पे पावर टू एन जो कि एल एच एस हुआ, इसको ए मान लेते हैं। अगेन एस टू माइनस एस वन का स्क्वायर, और एस वन हम कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा दोनों में, तो एस वन का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा कॉमन लेंगे तो एस टू माइनस एस वन माइनस वन का स्क्वायर, और एस वन का स्क्वायर हम रहने देते हैं और इसको हम देखते हैं इसका वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ से बैठाएंगे तो ए इंटू वन माइनस आर पे पावर टू एन अपॉन वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर अपॉन ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ यहाँ ये कटेगा, ए कटेगा, और एस वन स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वन, वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर वन ही होगा आर पे पावर टू एन अपॉन वन माइनस आर पे पावर एन, आर पे पावर एन है यहाँ पे वन माइनस आर पे पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, और एस वन का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वन प्लस आर पे पावर एन इंटू वन माइनस आर पे पावर एन अपॉन वन माइनस आर पे पावर एन माइनस वन। यह गया काम से और इस पर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एस वन स्क्वायर वन प्लस आर पे पावर एन माइनस वन का स्क्वायर वन वन गया। तो इस प्रकार जो है एस वन सच एस वन का स्क्वायर आर पे पावर टू एन जो कि हो गया बी, और फ्रॉम ए और बी से एल एच एस इजकल टू आर एच एस, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से एल एच एस बराबर आर एच एस जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है एस वन स्क्वायर आर पे पावर टू एन। हेंस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम आपका कमेंट को देखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोनों।